हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर कुर्ती फ्रॉम ओल्ड साड़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक ओल्ड साड़ी ली हुई है। इसे बनाने के लिए आप कोई भी लेस या फिर बॉर्डर वाली साड़ी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें साड़ी में से इस लेस को अलग कर लेना है, तो यहाँ से हम साड़ी में से लेस को सेपरेट कर लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह का बेल्ट निकाल लिया है साड़ी में से। अब टॉप पार्ट बनाने के लिए फैब्रिक को हम फोर फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से ये मैंने फोर फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे, तो फोल्डेड एरिया से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस का, तो 7 पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचेस, तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। अब यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं ले रही हूँ 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सीविंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 16 इंचेस, 1 इंच मैंने सीविंग अलाउंस के लिए ऐड किया हुआ है। तो ये हो गया हमारे टॉप पार्ट की लेंथ। अब यहाँ पर आएगी हमारी कमर की बॉर्डनेस, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो इस तरह से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। यहाँ पे मैं कॉलर नेक बनाने वाली हूँ, इसलिए लेंथ कम रखूंगी। तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, हमने कट कर लिया है। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। ये देखिए, हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हमें 2 फोल्ड करना है। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है, तो यहाँ से जो नेक है हमारा, वहाँ से 4 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। अब यहाँ से हम कट लगाएंगे, तो जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें इस तरह से कट लगाना है। तो फ्रंट का नेक हमारा इस तरह से आएगा। अब हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे, तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे, तो हमें इस तरह से ट्रायंगल में इसे 4 फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से हमें 4 फोल्ड करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर लूंगी पहले। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया है और ये मैंने ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस मैच होती है वहाँ से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम बॉटम पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ से हम बॉटम की लेंथ लेंगे 37 इंचेस, तो 37 पे हमें एक मार्क करना है। अब यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से 2 पीस आ जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम एक और पीस कट करेंगे इसी शेप का। तो फ्रंट पार्ट में हम 2 लेयर बनाएंगे,
तो उसी शेप का मैंने और एक पीस कट कर लिया है जो हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट लगाएंगे, जो हमने तीसरा पार्ट कट किया था उसे हमें सेंटर से इस तरह से कट लगा के दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इस तरह से हमें इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने फिर से 4x4 में लिया हुआ है और हमें ब्रॉडनेस 9 इंचेस की चाहिए, तो 9 पे हमें एक मार्क करना है। अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है। तो यहाँ से हमारा स्लीव्स का शेप शुरू होगा। तो यहाँ पे हमें स्लीव का शेप देना है इस तरह से। ऊपर से स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 25 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। अब यहाँ से इस पॉइंट को हमें नीचे तक शेप देते हुए इस पॉइंट से मिला देना है। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से दो पीस आ गए हैं दो स्लीव्स के लिए। अब हम सबसे पहले नेक पार्ट बनाएंगे। तो उसी शेप का हमने एक फैब्रिक कट कर लिया है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये जो हमारा वी शेप है इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें नॉचेस लगाने हैं और मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। इस तरह से हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा सकते हैं। ये देखिए हमने बैक साइड पे टर्न कर लिया है। अब जो लेस हमने सेपरेट कर ली थी उसे हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिलाई लगा के फिक्स करेंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे इसे फिक्स करना है। उसी तरह से दूसरा हम इस तरफ लगाएंगे। दोनों तरफ से हमें बस फोल्ड करके इसे सिलाई करना है। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से फिक्स कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर बैक का पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स पर सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम कॉलर के लिए इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से मेज़र करना है, एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इस तरह से लेंथ मेज़र करनी है। तो यहाँ तक लेंथ है मेरी 17.5 इंचेस। तो ये देखिए हमने 2x4 में इस तरह से फैब्रिक को कट कर लिया है जिसकी लेंथ मैंने ली है 18 इंचेस, हाफ इंच मैंने ऐड किया हुआ है। इसे मैंने 2x4 में लिया हुआ है तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे 2x4 करने के बाद यहाँ पे सिलाई करनी है। दोनों तरफ हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लेना है। अब इसे हम नेक पे अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम हल्का सा खोल देंगे इस तरह से सिलाई को। उसके बाद हमें इसके ऊपर इस तरह से रखते जाना है। एक तरफ से हमें सिलाई लगानी है।
इस पूरी लेंथ में हम सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, एक साइड से हमने जॉइन कर लिया है कॉलर को, और जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें यहाँ से हल्का सा फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और फोल्ड करते जाना है और हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे, तो बैक साइड पे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। पूरी लेंथ में हमें इस कॉलर को इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने बैक साइड पे इस तरह से सिलाई लगा के इस कॉलर को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। तो हमारा कॉलर लग चुका है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर स्लीव्स को हमें उल्टा रखना है और दोनों तरफ से हमें सिलाई को लगाते हुए स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइन करना है। उसके बाद जो हमारा स्लीव्स की बॉर्डर है उसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। तो बस डबल फोल्ड करते जाना है और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब ये यहाँ पे हम लेस को यहाँ पे भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम इस लेस को इस तरह से लगाएंगे, दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। ये देखिए, जो हमने फ्रंट का पार्ट यहाँ पे जो कट लगाया था वहाँ पे भी हमें लेस लगानी है। तो इस पूरी लेंथ में हम इस लेस को लगाएंगे। तो इसे हमें यहाँ पे फोल्ड करना है हल्का सा, इस तरह ऊपर की तरफ हमें इसे फोल्ड करना है और उसके ऊपर हम लेस को रखेंगे फोल्ड करके, और इसी तरह से हमें इस लेस को यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो दोनों तरफ हम इस लेस को यहाँ पे फिक्स करेंगे नीचे तक। देखिए, इस तरह से हमने लेस को यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे मैंने स्लीव्स की बॉर्डर पे भी लगा दिया है। अभी हमारा बॉटम का राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमने जो लेस वाला पार्ट है उसे हम राइट साइड पे रखेंगे। ये हमारी ऊपर की लेयर है, तो दोनों राइट साइड को इस तरह से मिलाना है अच्छे से। और यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। पहले सिलाई लगाने के बाद ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर टॉप का पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों ब्रॉडनेस को मैच करते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम बैक का पार्ट बैक के बॉटम के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी ज्वाइन किया हुआ है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। इसे अच्छे से रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का पार्ट मैं लूंगी यहाँ पे 19 इंचेस का। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है उसे बस हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिविंग लाइंस के लिए। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूंगी 4.5 इंचेस और इस पॉइंट को हमें एक्सटेंड कर लेना है इस पॉइंट तक। तो यहां से ये जो हमारा पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। इसी तरह से इस तरफ भी हमें इस पॉइंट को नीचे तक क्रॉस में 1 इंच के डिस्टेंस पे सिलाई लगाते हुए एक्सटेंड कर लेना है। इसी तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए, हमने फिटिंग कर ली है।
अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। तो बस डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई करनी है। उसी तरह से हम इसे भी फोल्ड करेंगे, तो इसे भी हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है, और इसी के साथ ही हमारी डिजाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और यह है इसका फाइनल लुक। सो गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती फ्रॉम ओल्ड साड़ी, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही में उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।